गौरी का ध्यान करिए। ओम नमः भगवान नमस्ते श्रीपति सताम गणपतिमा गणपति आयमान प्रचतम सर्वज्ञानि हे प्रचारिये आमूल्य चतुर जोड़िए आमूल्य ओम तांबलानि मानि मोक्ष पुण्यनि काचा सब लोता हरिचंदन महापदा जताना नमो तपम आर्यसंता धाम अखिल कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी एक एनजीओ है हमारा जो इसको प्रेजेंट कर रहा है। लास्ट 5 सालों से हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं, ये हमारा सीजन 6 है शुभारंभ गरबा महोत्सव, जिसके ऑर्गेनाइजर है वीरू सर गुजरात के अहमदाबाद से और मैं अखिलेश, हम दोनों ही अपनी एक संस्था चलाते हैं और हम लोग मिलकर हर साल यहाँ पे एक डांडिया गरबा का इवेंट करते हैं। इसमें 1 महीने की ट्रेनिंग होती है इवेंट से पहले, इसमें गुजरात के ही ट्रेनर्स ट्रेनिंग देते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं वो। उसके बाद जिन लोगों को सिखाया गया होता है उनके साथ लास्ट डे हम लोग एक इवेंट करते हैं। जो इवेंट इस बार हो रहा है ओशियन 11 रिजॉर्ट में, जिसमें सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे हैं रजनीश दुग्गल जी, जो 1920 मूवी आई थी उस मूवी से मैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार था, उनके साथ हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं। इवेंट करवाते हुए सर कितने साल हो गया? 5 साल हो गया सर, ये हमारा 6वां साल है, सीजन 6 है हमारा। इसकी शुरुआत करने की आपको प्रेरणा कहाँ थी? इसकी शुरुआत किया है वीरू सर ने, तो मैं चाहूंगा ये सवाल आप उनसे ही करें। 2016 में हमको मौका मिला गोरखपुर आने का, गुजरात से गोरखपुर आने का, और तब से लेकर आज तक ये जर्नी चलती आ रही है, काफिला बढ़ता जा रहा है। यहाँ के फीमेल्स का बहुत सपोर्ट मिला, जिससे हम हर साल उसको और अच्छे लेवल पे इवेंट को सक्सेसफुल बना रहे हैं। तो पूरा रोल ये देखा जाए तो यहाँ के जो हमारी फैमिली है, जो यहाँ के मेंबर्स हैं उनका है, जिससे हम हर बार उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टिसिपेट सर अभी तक 150 में फीमेल्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुकी है, 150 फीमेल्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुकी है और अभी भी और रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। बिल्कुल, और हम लोग मुझे लगता है एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इवेंट में केवल महिलाएं आती हैं। जितने भी वर्कशॉप हम लोग कराते हैं ओनली फॉर लेडीज, कोई इसमें मेल का हम लोग एंट्री नहीं करते हैं अब तक, आगे जो भी होगा। लेकिन 150 महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्राउड की जो हमें अनुमान है वो 2000+ की है इस बार। और सर देखा जाए गरबा जो है अपने भारत का ये सांस्कृतिक गुजरात का कल्चर माना जाता है, वहाँ का लोक नृत्य है गरबा, जो वहाँ के ट्रेडिशन को दिखाता है। और हम लोग मानते हैं कि माता जी की आराधना करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है गरबा, जिसको वीरू सर सिखाते हैं, उनकी टीम सिखाती है, और यहाँ की महिलाओं को उत्तर प्रदेश गोरखपुर में रह के गुजरात का माहौल देखने को मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बहुत अच्छी बात जैसा कि वीरू जी ने कहा कि एक महिलाओं के विकास के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मंच नहीं मिलता है, जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छे लुक्स रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके टैलेंट दब जाते हैं। तो ऐसी सोसाइटीज जब भी आगे आती हैं तो बेशक ये महिलाओं के विकास के लिए काम करती हूँ। और एक बहुत अच्छी बात है कि जब भी हमने बात की कल्चर की, तो ये डांडिया है तो ये गुजरात का, लेकिन हम पूरे भारत, जो चूंकि कहा जाता है कि अनेकता में एकता वाला देश है, तो भारत विभिन्न संस्कृतियां लिए हुए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि गोरखपुर के लोग भी दूसरी संस्कृति को सीख गए, उनके नृत्य को, जैसे यहाँ का जो कजरी है तो वो वहाँ गुजरात में भी जब कार्यक्रम होते हैं तो वो भी कजरी गीत गाने की कोशिश करें और गुजरात के डांस को हम भी जो है अडॉप्ट करें। तो ये कहते हैं कि संस्कृतियों का मिलन आप कह सकते हैं, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये। तो बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं। जी जी धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस पे जो है 4 पंक्तियां औरतों के नाम दूंगी कि जमाने में सदा औरत बहुत कुछ है सहन करती, और मधुर संबंध का औरत सलीके से जतन करती, बिखर जाए भले गुलशन मगर वो नेह से सींचे, और सभी को दे खुशी औरत सदा खुद का हवन करती। तो जो औरत होती है वो हमेशा दूसरों के लिए ही सोचती है, और ये संस्था जो कि औरत के लिए सोच रही है, तो नमन है, साधुवाद है, और बहुत आप ऐसे ही उन्नति करते रहें और ऐसे ही सुंदर सुंदर इवेंट हम लेडीज के लिए लेकर आते रहें। थैंक यू वेरी मच। साइड में कर सकते हो, लग जाएगी चलो साइड में।
आप कहाँ से हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रही, कैसा लग रहा है? मेरा ये फर्स्ट टाइम है और मैं बहुत पहले से गरबा करती थी नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे तो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मैं तारा मंडल में रहती हूँ। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हम भी करेंगे और एक्साइटेड जी। हम बरगदवा से हैं और मेरा नाम मिंकी गुप्ता है और मेरा ये फर्स्ट टाइम है सर के साथ, लेकिन एक्साइटेड तो हैं गरबा के लिए, क्योंकि अभी तक धूम गुजरातों में मची थी, इस बार गोरखपुर में धूम मचे आएंगे। ये एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मेरे बेटे का फेवरेट है। उसने गरबा का विशेष समाप्त दिया है, दया बहन। कैसा लग रहा है कि अब हम भी उसी तरीके से दया बहन बन जाएंगे? देखिए, दयावन एक अलग करेक्टर है, उनको देख के इतनी खुशी होती है कि आप उसका उनका पूरा व्यक्तित्व ही गरबा की तरह से है, बिल्कुल। तो अच्छा लगता है, अब हम लोग सीख लेंगे तो शायद हम लोग भी गर्व करेंगे। क्योंकि मेरे बेटे की तो फेवरेट है वो, अगर अभी वो 12 पास किया है, लेकिन जब भी अगर खाना खाने के लिए उसको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही देखना पसंद करता है। थैंक यू। Thank you.